नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे प्लेटफॉर्म गुरु विद्या पर। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो देखिए जनरली बात करें हम डायरेक्शन सेंस की, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, ठीक, और ये होता है दिशा निर्देश। ठीक, तो बात करें इसमें डायरेक्शन सेंस दिशा निर्देश की, तो हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, दिशा से रिलेटेड किस तरह से, जैसे कोई मैं बोलूँ आप पूर्व में जा रहे हो फिर दाएं मुड़ जाते हो फिर बाएं मुड़ जाते हो, ठीक है, तो आप किस दिशा की ओर जा रहे हो, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके अलावा डिस्टेंस वाले तीन चार टाइप में हम सभी डिस्कस करेंगे उनमें। ठीक, तो अगर बात की जाए, अगर जो दिशा होती है, तो जनरली अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम दिशा अलग तरह से जानते हैं, पूर्व किधर होती है, पश्चिम किधर और उत्तर किधर और दक्षिण किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन जब भी हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे 2D प्लेन पर, तो देखिए दिशा किस तरह से ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं, अगर मैं तीन चार टाइप जो टॉपिक है वो छोटे छोटे डिस्कस करूँगा पहले इसमें। देखो, तो जब भी अगर हम बात करें इसमें चार तरह से दिशा ड्रॉ करेंगे अपन, ठीक, चार दिशा ड्रॉ करेंगे। अगर बात करें जब भी हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ये कौन सी दिशा होगी, ईस्ट, ठीक है, कौन सी दिशा हो गई है, पूर्व, ठीक, और उसके बाद करें ऊपर कौन सी दिशा है, ये उत्तर, और ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, ठीक है, और उसके बाद बात करें ये कौन सी हो जाएगी, साउथ, ठीक है, दक्षिण दिशा, ठीक है, दक्षिण, और यहाँ बात करें ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा, ठीक है, और ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, तो जब भी अगर हम बात करें 2D पर प्लेन पर, इस चैप्टर में हम सारी जगह कैसे करेंगे, ठीक है, चारों दिशा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर होगी ईस्ट, ठीक है, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये चारों दिशा होती है। अब बात करें इसमें हमेशा जब भी हम चलेंगे कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, जो मूल बिंदु होता है, अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये क्या होता है, मूल बिंदु। तो जब भी मैं बोलूँ आप ईस्ट दिशा की ओर जा रहे हो, पूर्व की ओर जा रहे हो, तो हम यहीं से चलेंगे, उत्तर की ओर जा रहे हो तो यहीं से, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहे हो तो नीचे, मतलब ये अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में। ठीक, तो देखो अब ये तो हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अगर बात की जाए ये दिशा कौन सी होगी, ठीक है, तो देखो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, बात कर रहे तो ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है, कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ठीक, अगर बात करें इसकी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, ठीक, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, या फिर उत्तर पश्चिम। अगर यहाँ की बात करें ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा। और बात करें इसकी तो ये कौन सी हो गई, अब दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, कौन सी हो गई, ये दक्षिण पूर्व, या फिर हम बात करें तो साउथ ईस्ट, ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, चार दिशा, और ये भी दिशा थी, इनका भी हमें यहाँ पर नॉलेज हो चुकी है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट, ठीक है, तो इस तरह से बात करें तो ये कितनी दिशा हो गई अपने पास, चार दिशा मेनली, और ये इसके, ठीक है, चार दिशा और हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं इसमें, तो अगर, ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक, तो ये तो दिशा हो गई, अगर बात करें हम वही चारों दिशा वापस ड्रॉ करूं मैं, और ये हो जाएगी ईस्ट, और ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, अगर मैं बोलूं आप पूर्व दिशा की ओर चल रहे हो, तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से, और कहाँ चले जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर। फिर मैं बोलता हूँ आप, ठीक है, वामावर्त दिशा या दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाते हो, ठीक है, तो देखो अगर बात करूँ मैं, ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा, तो ये दिशा कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है, और ये दक्षिणावर्त दिशा हो गई। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँ आप क्लॉकवाइज घूम गए या फिर आप दक्षिणावर्त घूम गए, तो हम कैसे चलेंगे, ठीक है, घड़ी की दिशा में, और जब मैं बोलूँ आप वामावर्त घूम गए या एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी उल्टी, तो ये दिशा कौन सी होगी, वामावर्त, या फिर क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी दिशा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो देखो दक्षिणावर्त दिशा में जब भी बोला जाए और वामावर्त में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, ये सभी दिशाओं के साथ और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की भी नॉलेज हमने ले ली, ठीक है। और अगर बात करें अब इसकी, ठीक है, तो देखिए अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी दिशाएं हो गई है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आप ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो, किस दिशा की ओर जा रहे हो, पूर्व दिशा की ओर। फिर उसके बाद बोलता हूं आप अपने, ठीक है, राइट हैंड साइड या फिर दाएं घूम जाते हो, ठीक है। तो दाएं किधर, यहां से जा रहे हैं तो दाएं किधर घूमेंगे अपन, इधर, ठीक है। या फिर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं फिर अपने बाएं घूम जाते हैं, तो अपना बायां कौन सा होगा, लेफ्ट ही है, तो अब किधर घूम जाएंगे, इधर, ठीक है। तो जनरली जब हम इस दिशा में जाएंगे तो हमें दो कंडीशन बनेगी, ये वाली कौन सी होती है, राइट, और ये कौन सी हो जाएगी कंडीशन, लेफ्ट, ठीक है। इधर दाईं ओर और इधर बाएं ओर, राइट और लेफ्ट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, ठीक है, अगर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, तो अगर उत्तर की तरफ मैं सीधा जाऊंगा तो मेरा राइट किधर होगा, इधर, और लेफ्ट इधर, ठीक है। तब अपना यहाँ क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर अब आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, कहाँ पर, वेस्ट डायरेक्शन में, तो अपना राइट कब किधर होगा, इधर, और लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर की साइड, ठीक है। तब राइट कौन सा होगा, ये, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट की कंडीशन हो गई अपने पास, ठीक। अब बात करें, मैंने बोला आप साउथ दिशा की ओर जा रहे हो, ठीक है, किस डायरेक्शन में चल रहे हो आप, साउथ में, ठीक। तो जैसे ही अगर आप साउथ की ओर जाते हो, जैसे ही अगर मैं साउथ की तरफ जाऊंगा तो मेरा राइट किधर हो जाएगा, इधर, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। तो बात करें तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, राइट, और इधर क्या हो जाएगा, ये, लेफ्ट, ठीक है। तो देखो हमने इसमें जब हम चारों डायरेक्शन में जाते हैं तो अपने राइट लेफ्ट किधर होते हैं वो चीज पड़ी है। तो बात करूं ईस्ट में जाऊंगा, राइट इधर लेफ्ट इधर, और नॉर्थ में राइट इधर लेफ्ट इधर, यहां पर राइट इधर लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट है, और यहां पर बात करें तो राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो आप भी इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम इसके टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप वन में हम नॉर्मली डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेकेंड जो टाइप होगा उसमें डायरेक्शन रहेगी प्लस उसमें कुछ डिस्टेंस भी दी जाएगी, और हमसे किसके बारे में पूछेगा, डायरेक्शन के बारे में। थर्ड टाइप में हमसे क्या, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस दोनों के बारे में पूछेगा, और इसी तरह से आगे भी टाइप पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब टाइप वन, ठीक। तो टाइप वन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिशा निर्देश जो चैप्टर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, यदि राम, ठीक है, यदि राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फर्स्ट है टाइप वन और उसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली डायरेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है, यदि राम उत्तर दिशा की ओर जाता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में पता करना है वो किस दिशा की ओर जा रहा है राम, ठीक है। तो देखो अगर इसकी बात की जाए, राम किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। इंग्लिश में लिखिए, इफ राम गोज टूवर्ड्स द नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट देन टर्न राइट एंड देन टर्न लेफ्ट देन फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। तो हम बात करें, ठीक है, तो यदि राम किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। तो हम सबसे पहले हमने चार डायरेक्शन बनाना सीखी थी, ठीक है, तो हम यहां भी वही चारों डायरेक्शन बनाएंगे, और ये हो गया ईस्ट और वेस्ट, और ये क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ, ठीक है।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, चारों दिशा बना ली। अब देखो हमेशा मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट कहाँ रहेगा, जहां से हम क्या करेंगे स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, राम उत्तर दिशा में, तो इसको उत्तर दिशा में भेज देते हैं, राम उत्तर दिशा में जा रहा है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, मतलब किधर मुड़ता है, लेफ्ट, ठीक है। तो देखो किधर मुड़ा राम, लेफ्ट, तो राम इधर मुड़ गया लेफ्ट, क्योंकि अभी बताया था इधर क्या होगा लेफ्ट, और राम किधर घूम गया इधर, ठीक है। और उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर उसके बाद किधर मुड़ता है, दाएं मतलब राइट, किधर मुड़ गया ये, दाएं इधर मुड़ गया। उसके बाद क्या होगा, वो बाएं मुड़ जाता है। अब अभी तक कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर में, और किधर मुड़ गया वो, बाएं। तो देखो अगर मैं इधर जा रहा हूँ नॉर्थ में, बाएं मुड़ गया, तो किधर मुड़ गया ये, इधर, ठीक है। तो पूछ रहा है राम, तो बताइए राम किस दिशा की ओर जा रहा है, तो राम किस दिशा की ओर जा रहा है, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम, ठीक है। तो राम किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, वेस्ट, पश्चिम, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो राम किस दिशा में जा रहा है, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष राम की स्थिति क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु क्या है ये, और राम की स्थिति क्या है, मतलब ये, और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाता उसमें, नॉर्थ वेस्ट। तो राम किस दिशा की ओर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट दिशा की ओर राम चला जा रहा है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई टास्क नहीं है इसमें, ठीक। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन है विजय दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो विजय दक्षिण दिशा में चलकर कहां मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं तथा इसके बाद दाएं, तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो विजय दक्षिण दिशा में चलकर, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वही जो बनाते हुए आए हैं, ठीक है, ये दिशा बना देते हैं, ठीक। तो देखो ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ, और ये साउथ, चारों दिशाएं होगी। उसके बाद बात करते हैं विजय दक्षिण दिशा में चलकर, तो विजय ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और चलेगा कहां पर, ठीक है। तो विजय कौन सी दिशा में जाता है, विजय दक्षिण दिशा में जाता है, तो ये दक्षिण दिशा में इधर की तरफ चल रहा है, और उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, जैसा कि मैंने बताया था ये क्या है, दाएं, और बायां किधर है इसका, इधर की तरफ, ठीक है, और लेफ्ट और राइट बनाया था। तो विजय दक्षिण दिशा में चला जा रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो यहां से इधर घूम गया इधर की तरफ, ठीक, फिर यहां तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले दाएं मोड़ दिया अपन ने, फिर क्या मुड़ रहा है, वो बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब इस दिशा में जा रहा है, मतलब ईस्ट में, और मुड़ किधर रहा है, वो बाएं, ठीक है। तो ये बाएं किधर मुड़ जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये किधर घूम गया, अब इधर की तरफ घूम गया, ठीक, तथा इसके बाद दाएं, ठीक है। फिर वापस किधर घूम गया वो, ये अब कौन सी दिशा में जा रहा है, अभी नॉर्थ में, और किधर घूम गया वो, दाएं घूम गया, अब किधर घूम गया, दाएं। तो देखो अब किधर घूम गया है, दाएं। तो इसने अब क्वेश्चन पूछा है दूसरा, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। तो देखो आरंभिक बिंदु से तो किस दिशा में, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और ईस्ट के बीच की, तो आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। और अगर वो पूछता वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अगर दिशा पूछता तो क्या आंसर आता अपना, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, भाई ये पूरी क्या है, पूर्व की पूर्व दिशा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर वो यही पूछता वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, जिससे हम डायरेक्टली अगर बात करूं मैं बिना डायग्राम बनाए हुए कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या करना है, विजय दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, एक बार क्या टर्न ले रहा है वो, ठीक है, दाएं मतलब लेफ्ट टर्न ले रहा है एक बार, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, अब कौन सा टर्न ले रहा है वो, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया दाएं बाएं, फिर वापस क्या कर रहा है, एक और लेफ्ट टर्न ले रहा है वो, ठीक है, कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। तो देखो एक बार लेफ्ट, फिर राइट, और फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक। तो देखो जब भी ये वन लेफ्ट और वन राइट, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो वन लेफ्ट क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। अगर मैं बात करूं आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, पहले आप किधर मुड़ जाते हो, ठीक है, बात करें राइट मुड़ जाते हैं, फिर आप लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो देखो अभी आप उसी दिशा में जा रहे हो जिसमें जा रहे थे, एक तरह से वन राइट और वन लेफ्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैंने यहां भी तो वही करा, क्योंकि हम उसी दिशा में जा रहे हैं,
और जो बचता है वही आंसर होगा, ठीक है। तो वन लेफ्ट, तो देखो ये किस दिशा में उड़ जा रहा था, ठीक है, साउथ में, और अपने पास क्या बच रहा है, वन लेफ्ट, तो मैं साउथ में जा रहा हूँ, एक बार लेफ्ट टर्न हो गया तो मैं इधर घूम गया, तो मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, या फिर राम किस दिशा में जा रहा है, तो क्या आंसर होगा, पूर्व, ठीक है। तो हम इसे क्या है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और ये उसी के लिए आरंभिक बिंदु वाले के लिए नहीं लगेगा, और ये किस में अप्लाई होगा, ओनली जब आपसे पूछे आप किस दिशा की ओर जा रहे हो तब इसे कर सकते हैं। ऐसे ही कभी टू लेफ्ट का कॉम्बिनेशन और टू आर का बन जाए और लास्ट में वन एल आ जाए या टू आर आ जाए कुछ भी, तो टू से टू सेम काट दो और बचेगा जो भी उसे क्या कर लेंगे, दो बार, अगर सपोज दो बार राइट दे रखा होता तो एक बार आर यहाँ पर, फिर यहाँ से वापस राइट घुमा देते उसे, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, देखो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप किस दिशा में और किस दिशा की पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, किधर मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो यह बताइए कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इसे हम क्या है, डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप कहां जा रहे हैं, तो वन लेफ्ट, दाएं मतलब लेफ्ट, फिर उसके बाद आप फिर अगेन क्या है, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर वापस क्या कर रहा हूं मैं, एक बार वापस दाएं मुड़ता हूं, ठीक है, फिर बाएं मुड़ते हैं मतलब राइट, फिर एक बार क्या हो रहा है, राइट, ठीक है। तो बताइए किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है किस दिशा में जा रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, तो एक लेफ्ट, एक राइट से लेफ्ट कोई सा वाला काट दो, उससे क्या अपने पास क्या बचा, एक लेफ्ट, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे थे, बात करें हम किस दिशा में जा रहे थे, तो हम जा रहे थे पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, ठीक है, तो पूर्व दिशा में जा रहे हो, अपने पास क्या बच रहा है, एक लेफ्ट, और हम किधर की तरफ घूम रहे हैं, एक लेफ्ट, मतलब पूर्व में जा रहे हैं राइट इधर और लेफ्ट इधर, तो हम, ठीक है, तो किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। यदि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं और आप, ठीक है, सो यहाँ पर दाएं से दाएं, सॉरी ये आएगा राइट, और ये राइट, और ये इंग्लिश में थोड़ा वो टर्म, हिंदी में दाएं, और यहाँ क्या आ जाएगा, बाएं, ठीक है, बाएं होता है लेफ्ट, ये दाएं और ये बाएं, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो क्या बच रहा है अपने पास, ठीक है, वन राइट से लेफ्ट और वन राइट बच रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर वन राइट बच रहा है, ठीक, तो देखो ईस्ट में जा रहे हैं हम, ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, और घूम किधर रहे हैं, राइट, ठीक है, तो यहाँ से राइट घुमा दो इसको, किस दिशा में जा रहे हैं हम, साउथ में, ये पूरी साउथ है नीचे वाली, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट, और दाएं बाएं में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसे ध्यान रखें राइट लेफ्ट से ही किया करें अगर। तो अपना क्या आंसर आ गया, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, साउथ, दक्षिण में, ठीक है। और अगर वापस वही बनाते तो भी क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यदि रोहन पश्चिम दिशा की ओर जाता है, ठीक है, यदि रोहन किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मतलब अब मैं लिख देता हूं ये राइट, ठीक है, ये दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद बाएं चलता है, ठीक है, और उसके बाद बाएं, ये बाएं वो होगा, ठीक है, और ये लेफ्ट, और ये भी क्या हो गया, बाएं लेफ्ट चलता है, तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो डायरेक्टली अगर करना चाहें इसको, तो वन राइट, फिर क्या कर रहा है, वन लेफ्ट, और फिर क्या कर रहा है, अगेन वन लेफ्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट कट, सॉरी लेफ्ट से, ठीक, और हम क्या कर देंगे, अब एक लेफ्ट से क्या कट कर देंगे, एक राइट, और अपने पास क्या बच गया, ओनली वन लेफ्ट। अब वो जिस भी दिशा में जा रहा हो उससे क्या वन लेफ्ट कर देंगे, पश्चिम दिशा में जा रहे हो आप, ठीक है, तो देखो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है, और ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर, और पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या बच रहा है अपने पास, वन लेफ्ट, ठीक है, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक राइट, और ये क्या हो गया, लेफ्ट, तो हम क्या घूम जाएंगे, इधर लेफ्ट घूम जाएंगे, तो कौन सी दिशा है, साउथ, ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, दक्षिण दिशा, किस ओर जा रहा है वो, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक। तो इसमें हमने डिस्कस किया, भाई आप
जब भी दिशा का ज्ञान हो भाई आप दाएं मुड़ रहे हो बाएं मुड़ रहे हो और दिशा के बारे में पूछा था। अब हम जो टाइप टू पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे दिशा के साथ डिस्टेंस भी दे रखी होगी ठीक है और उसमें भी बात करें हम तो वहां पर आपको ये डायग्राम बना के करना पड़ेगा ठीक है। वहां अगर ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे कोई सी भी। अब देखो अब आता है टाइप टू। टाइप टू की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन है राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर ठीक है उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं ठीक है तो बाएं होता है राइट सॉरी लेफ्ट इसमें कंफ्यूजन है ठीक है और ये किधर मुड़ जाता है ठीक है लेफ्ट मुड़ जाता है उसके बाद 15 मीटर और जाता है वो और अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। सबसे पहले तो 30 मीटर चलता है फिर क्या है वो बाएं मुड़ता है ठीक है फिर उसके बाद वह 15 मीटर जाता है और वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। वह दाएं मुड़कर कितना जा रहा है दाएं मतलब राइट ठीक है राइट मुड़कर 50 मीटर जाता है तो वह अंत में दाएं मुड़कर चलता है और अंत में वापस क्या है वो दाएं मुड़कर चल रहा है। अंत में वापस क्या मुड़ गया दाएं तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है ठीक है तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है ठीक है। अब देखो राजू उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो क्या करेंगे हम वापस ठीक है सारी वो बना लेंगे ठीक राजू उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो हम भी क्या हुआ सारी दिशा बना लेते हैं और ये ईस्ट और ये वेस्ट और सॉरी ईस्ट और ये हो गई नॉर्थ और ये वेस्ट और ये क्या हो गई साउथ ठीक। तो चारों दिशा सबसे पहले राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर उत्तर दिशा में कितना चल रहा है तो मैंने बोल दिया यहाँ तक ये 30 मीटर चल गया ठीक है और उत्तर दिशा में 30 मीटर चल गया है। उसके बाद बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट तो उसके बाद क्या हुआ ये लेफ्ट मुड़ गया ठीक है मुड़ गया और 15 मीटर जाता है लेफ्ट में मुड़कर टोटल कितना चला है ये 15 मीटर ठीक है 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर ठीक है मतलब राइट मुड़कर कितना चल रहा है 50 मीटर मतलब ऊपर चलकर कितना मुड़ रहा है वो ठीक है 50 मीटर यहां चलकर क्या हो गया मुड़ गया ठीक है और अंत में वह दाएं मुड़कर ठीक है और अंत में क्या इधर जाते जाते किधर मुड़ गया वापस दाएं तो इधर अब कौन सी दिशा में जा रहा है नॉर्थ और मुड़ किधर गया दाएं और इधर की तरफ क्या हुआ वो घूम गया ठीक है और उसने डिस्टेंस नहीं दे रखी तो बस नॉर्मल पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर जा रहा है ठीक है। तो उसी तरह के क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है अगर मैं बताऊं तो आगे चलता जाएगा इसी दिशा में और ये दिशा कौन सी इधर वाली पूरी पूर्व तो किस दिशा की ओर जा रहा है तो क्या आंसर आ जाएगा इसका पूर्व दिशा की ओर जा रहा है ठीक है। तो इससे इजीली क्या हो गया एक तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया जितनी भी डिस्टेंस थी ठीक तो इसमें हो गया। उसके बाद बात करें इसकी क्वेश्चन टू। अब है मोहन दक्षिण दिशा की ओर 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया ठीक है मोहन दक्षिण दिशा की ओर 25 मीटर चलकर क्या हो गया ठीक है 25 मीटर चलकर वो दाईं ओर मुड़ गया फिर उसके बाद 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया 15 मीटर चला और किधर मुड़ गया बाईं ओर तथा 25 मीटर चलकर अब वह अपने शुरू में चलने के स्थान से किस दिशा में 25 मीटर चला तो अब वह अपने शुरू के चलने में स्थान से किस दिशा में तो सबसे पहले बात करें मोहन किस दिशा में चला ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर ठीक है और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ठीक है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सबसे पहले बात करें मोहन किस दिशा में चला दक्षिण की ओर ठीक है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से दक्षिण की ओर कितना चला वो सपोज 25 मीटर चल गया ठीक है 25 मीटर चलकर दाईं ओर जो साउथ डायरेक्शन है इसका दायां किधर आएगा इधर ठीक है और इधर फिर क्या हुआ दाएं घूम गया ठीक मुड़ गया फिर 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया ठीक है फिर 15 मीटर चलकर कहां मुड़ गया वो बाईं ओर ठीक है जैसे ही अब ये इधर पहुंचा और इसका ये दायां और बायां किधर आएगा इधर और दायां चलकर कितना मुड़ गया वो ठीक है और ये बाईं ओर मुड़कर तथा 25 मीटर चला और यहां तक कितना चल गया 15 मीटर यहां पर चल गया और उसके बाद तथा 25 मीटर चला और इधर कितना हो गया ये ठीक है 25 मीटर चला तो अपने शुरू में जो चलने का स्थान थे
उससे किस दिशा में है, तो बात करें यहां से और ये किस दिशा में हो जाएगा, अगर बात करें तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो एक ऑप्शन और ऐड करके हम इसमें क्या कर देंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट, और यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, साउथ ईस्ट, और ये इस दिशा की ओर चल गया है। ठीक है, हाँ, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन की ओर चल गया है। ठीक है, साउथ वेस्ट, इसको या तो कट कर देना, मैं दोबारा बोल दूंगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल गया है। ओके, तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।